आजकल आम का सीजन चल रहा है, आम के शौकीन लोग मुंह में आम का नाम सुनते ही पानी आ जाता है आजकल। लेकिन बाजार में केमिकल युक्त आम बहुत ज्यादा ही मिल रहे हैं, दवाओं से, जहरीली दवाओं से पकाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और आम के जो शौकीन लोग हैं उन आमों को खाए भी नहीं, छूते नहीं रहते। तो हम आपको आज बताते हैं आप घर पे कच्चा आम ला के कैसे आपको पका सकते हैं, और दो तीन काम तरीके से आपको पका सकते हैं। घर पे कच्चा आम ले आइए और उसको आप चाहे तो चावल के कोई कनेक्टर हो जिसमें चावल रखा हो उसके काफ़ी गहराई में आम को डाल दीजिए और 4-5 दिन तक ऐसे रहने दीजिए। फिर देखिएगा 4-5 दिन बाद आम आपको पके हुए मिलेंगे। या आप दूसरे तरीके से आप जो है पेपर 3-4 तरह लपेट कर पेपर में रख सकती हैं आम पकाने के लिए। या एक तरीके से आप गेहूं के जंगल में गेहूं रखा हो उसमें अंदर डाल सकती हैं। या आप घास फूस जो पुलाव पुआल होता है उसमें आम को रख सकते हैं। आप गर्म स्थान पर रख दें आम, वैसे भी आम को कोई गर्म स्थान पर भी आप रख दें तो 3-4-5 दिन में आम पक जाते हैं। ऐसे हम लोग अक्सर आम का चलाते हैं और उसका उपयोग न कर पाए तो देखे कि 4-5 दिन में आम पक जाते हैं, पीले हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह फॉलो करके आप इन नियमों को आम को पका कर खा सकते हैं। बाहर तो बहुत केमिकल युक्त आम है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।